फाइनली दोस्तों मेरा कॉपर पेपिंग कंप्लीट हो गया है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे किए हैं कॉपर पेपिंग और सही तरीक़ा क्या है कॉपर पेपिंग का, वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यू टाइप का बना के हम ऐसा यू टाइप लेके ऊपर लेके बीम में टच करके 4 इंच का बीम आ रहा है, तो वो पाइप मेरा ऊपर का कवर हो जाएगा फॉल सीलिंग में। स्ट्रेट जाके उधर बीम में कॉरकटिंग करके उधर लिए हैं पाइप हम लोग। इधर देख सकते हैं बाहर आके फिर इधर एक रूम है, वो रूम के अंदर से बाहर कहाँ गया वो लास्ट में आपको दिखाता हूँ। पहले इसके बारे में पूरा कम्प्लीटली बता देता हूँ। आइए, लेफ़्ट कनेक्शन कभी भी देते हैं तो उसे यू टाइप बनाते हैं। राइट कनेक्शन इधर नहीं दे सकते हैं क्योंकि कॉपर बैठेगा नहीं, मेरा पीछे ब्रेज मारने के लिए नहीं होगा, इसलिए लेफ़्ट कनेक्शन दिए हैं। ड्रेन पाइप देख सकते हैं आप, इधर से ही लेफ़्ट कनेक्शन ड्रेन पाइप भी देना पड़ता है क्योंकि एग्जैक्ट मालूम नहीं रहता है कि दोनों साइड ड्रेन है या नहीं है, इसलिए लेफ़्ट कनेक्शन बेस्ट। राइट साइड तो आता ही है, लेफ़्ट कनेक्शन का डाउट रहता है कि लेफ़्ट साइड डाउट रहता है कि नहीं कि उसमें ड्रेन कनेक्शन, इसलिए लेफ़्ट कनेक्शन ही देते हैं हम लोग। स्ट्रेट ऐसा जाके नीचे जाके उधर एक छोटा कॉरकटिंग किया, इसके पीछे वाशरूम है, वाशरूम के अंदर पाइप छोड़ दिए हम लोग, छोटा एक कॉरकटिंग करके उधर छोड़ दिए। ये दिखाता हूँ इधर छोड़ें, ये एक वाशरूम है, अभी काम चल ही रहा है, इधर कुछ भी हुआ नहीं है। पाइपिंग पहले ही करना पड़ता है हम लोग को, फॉल सीलिंग सब डालने से पहले। तो इधर देख सकते हैं आप, उधर छोटा पाइप निकला हुआ है तो ऐसा छोड़ दिए, इधर से जाता रहेगा पानी। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा गया है मेरा कॉपर पाइप। यहाँ से एक कॉरकटिंग इधर भी कराएं क्योंकि ये भी बीम है, ये भी बीम है, तो यहाँ भी एक छोटा कॉरकटिंग कराए हैं। कॉरकटिंग करा के इधर देखिए मेरा पाइप निकला है, इधर से स्ट्रेट जाके वहाँ भी देखिए एक दो कॉरकटिंग कराए, एक ये रूम का एसी है देख सकते हैं, ये भी यू टाइप बनाए हम लोग, यू टाइप बना के बाहर डाले। इसका भी ड्रेन सेम वैसा ही, लेफ़्ट कनेक्शन ही दिए हैं ड्रेन हम लोग, स्ट्रेट देके नीचे लिए, नीचे एक छोटा कॉरकटिंग करा के। इधर भी इसका वाशरूम, अटैच वाशरूम है बेडरूम में, तो इधर छोड़े हैं देखिए, पाइप निकला हुआ है थोड़ा से, लास्ट में हम लोग एक एल्बो डाल के नीचे कर देंगे वो, तो पानी टपकता रहेगा। फाइनली यहाँ से मेरा पाइप बाहर निकल गया है, देखिए इधर बाहर हम लोग ऐसे छोड़े हैं, इधर से आके यहाँ नीचे तक छोड़ दिए हैं। मेरा आउटडोर ये बीम, ये सज्जा है, सज्जा के नीचे मेरा एक आउटडोर बैठेगा और एक आउटडोर ये वाल पे बैठेगा, दो आउटडोर ये वाल पे बैठेगा, एक मेरा ये सज्जा के नीचे बैठेगा। तो वो पाइप हम लोग उधर से कनेक्शन ब्रेस करके इधर लेके आ जाएंगे, एक पाइप उधर ही नीचे कनेक्ट कर देंगे ये सज्जा के नीचे। तो देख सकते हैं इधर भी एक पाइप आया है, ये बाजू के रूम का है, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो इसका देख सकते हैं कॉपर पाइप ज़बरदस्त दिख रहा है, अच्छा नीट से बहुत मेहनत से किए हैं यार हम लोग, अच्छा नीट दिख रहा है। आइए दूसरे रूम का दिखाता हूँ, फिर ये एक रूम है, ये रूम का बैक टू बैक ही है, ऐसा हम लोग कॉपर डाल के लेफ्ट बेंड मार के छोड़ दिए हैं बाहर। इधर से दिखेगा नहीं, मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ डेंजर है, पीछे कुछ भी नहीं है इसलिए वीडियो नहीं बना सकता हूँ उधर चढ़ के, इसलिए मैं उधर का नहीं दिखा सकूँगा आपको। इधर ड्रेन देख सकते हैं, ड्रेन ऐसा हम लोग बाहर छोड़ दिए, उधर से टपकता रहेगा बाहर पानी। कॉपर पाइप मेरा पूरे नीचे यहाँ तक ला के छोड़े हैं, बाद में ब्रेस करके जिस टाइम आउटडोर बैठाएंगे ना तो उस टाइम ब्रेस करके वहाँ डाल देंगे। तो आइए आपको दूसरे रूम का दिखाते हैं, टोटल 4 पाइपिंग की हम लोग इधर, ये भी सेम वैसा ही है, बैक टू बैक ही है, बट स्टे वहाँ जो आपको 3 पाइप दिखाया उसमें एक ये रूम का है, ये भी सेम वैसा ही, ये सेंटर में आएगा मेरा एसी। ड्रेन भी इसका वैसे ही जैसा वो अभी दिखाया ना इससे पहले, वो रूम में जैसा छोड़ा था सेम वैसे ये रूम में भी छोड़े हैं, और बेंड मार के इसे भी एक पट्टी किला मार दिए अच्छा से ताकि हिला डुला के कोई पिंच ना कर दे, तो एक एसी मेरा यहाँ बैठेगा। ऐसा कर देना चाहिए क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मारेंगे तो इधर कारपेंटर पेंटर काम करने आते हैं पूरा, वो लोग हिला डुला के पाइप पिंच कर देते हैं, पाइप पिंच हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है इसी बस बैठाने के स्टेम। तो देख सकते हैं कितना नीट दिख रहा है आपको,
वहाँ से पूरा ड्रेन पूरा बाहर चले गया। टोटल 4 पाइपिंग किए हम लोग। 2 दिन लगा यार पूरे पूरे कॉपर पाइपिंग करने में और होल गिल करने में। टोटल 4 एसी के लिए 2 दिन लगा हम लोग को। तो फाइनली मेरा आइडिया कंप्लीट हो चुका है। अब ये कारपेंटरों का काम बाकी भी कुछ भी नहीं हुआ है, देख सकते आप पूरा काम चल ही रहा है, इधर पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी कोई काम भी नहीं कर रहा है यहाँ। मालूम नहीं, शायद आज हिंदुओं का कुछ, हिंदू भाई का कुछ है त्यौहार आज, इसलिए आज कोई काम करने के लिए नहीं आया, पेंटर लोग भी नहीं आया है। हम ही 2 जने आज काम कर रहे थे, हम भी मेरा लड़का। तो फाइनल मेरा साइट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।